अगली खबर राजगढ़ से है। थाना बोड़ा क्षेत्र के ग्राम कड़िया सांसी में फरियादी राकेश थापनी के घर से अज्ञात चोर ने दोपहर के समय घर पर जब कोई नहीं था तो लाखों रुपए के सोने के आभूषण और नकदी रुपए चोरी कर लिए। फरियादी राकेश थापनी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के विरुद्ध थाना बोड़ा में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और आपको बता दें, पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरा फुटेज, टेक्निकली प्रस्थितिक साक्ष्य, कई संदिग्ध लोगों से लगातार पूछताछ की गई, परंतु पुलिस को लंबे समय तक कोई सफलता नहीं मिली। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष टीम गठित की और टीम ने घटना की प्राइम थाना हाईवे मथुरा उत्तर प्रदेश को लगातार सतत प्रयासों से विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। आने से पहले की है, 29/4/2022 को थोड़ा पीछे थाना बोड़ा क्षेत्र का जो कड़िया सासी गांव है उसमें फरियादी राकेश थापनी के घर में चोरी हुई थी। और उस चोरी में फरियादी के द्वारा ये बताया गया था कि काफ़ी बड़ी चोरी उसके घर में हुई है। इसमें पुलिस ने FIR करने के बाद और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इसमें CCTV फुटेज, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और संदिग्धों से पूछताछ करने के बाद तत्काल में कोई जो है सुराग आरोपी का नहीं मिला। फिर इसके बाद इसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें SDOP साहब के नेतृत्व में इसमें थाना प्रभारी बोड़ा और उप निरीक्षक संदीप मीणा, हमारे सब इंस्पेक्टर पुरावर के बब्बन ठाकुर और एक टेक्निकल असिस्टेंस के लिए साइबर की टीम, इन सबको लगा के और फिर एक नए सिरे से प्रयास इसमें शुरू किए गए। तो एक वहाँ रिश्तेदारी में आई थी श्वेता, उसके बहुत सारे नाम निकल के आए हैं बाद में, श्वेता उर्फ कालू उर्फ काड़ू उर्फ करीना, पिता कालू सासी और पति उसकी वर्तमान में शादी राकेश उर्फ राहुल सोमवंशी निवासी महेंद्र नगर मथुरा, उसका उसमें सस्पेक्ट के रूप में नाम आया। फिर उसमें एक टीम बना के भेजी गई, तो उसने मथुरा से उस महिला को गिरफ्तार किया। ना केवल महिला को गिरफ्तार किया, पहले एक बार भेजा गया तो महिला को गिरफ्तार किया गया, तो उससे माल जो बरामद हुआ काफ़ी संख्या में। फिर उसके बाद उसके पति को भी अरेस्ट किया गया, इसमें दूसरी बार पार्टी भेजी गई और उसके पति और उस आरोपी श्वेता से कुल मिलाकर 99 तोला सोना और लगभग 3,90,000 रुपये, लगभग 61 लाख रुपए का मशरू का पुलिस ने बरामद किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से किया गया है जिससे कि आरोपियों को माननीय न्यायालय में सजा कराई।